द लल्लनटॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं लल्लनटॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा लल्लनटॉप क्विज लाइव लल्लनटॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। लल्लनटॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। बात करेंगे चमन कोहली की। चमन कोहली कौन? उजड़ा चमन के एक्टर, लीड एक्टर। चमन कोहली आज पहली बार कॉलेज में विग पहनकर गए हैं। आदत नहीं है इसलिए वो बार बार खुजला रहे हैं। वॉशरूम में जाते हैं और विग खोलकर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन उनका ये सारा क्रियाकलाप एक SMS के रूप में पूरे कॉलेज में वायरल हो जाता है और चमन कोहली की खूब कॉलेज हंसाई होती है। इस पूरे सीक्वेंस में वही दिक्कत है जो पूरी उजड़ा चमन मूवी में है। उस दिक्कत का नाम है अतिशयोक्ति। ये दिक्कत इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि फिल्म अपने प्रोमो और अपनी पैकेजिंग में मॉडर्स्ट और रियलिटी के करीब लगती है या ऐसा प्रोजेक्ट करती है। 30 साल का चमन कोहली दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी का प्रोफेसर है और वो उसकी फैमिली लगी हुई है कि कैसे ना कैसे चमन की शादी हो जाए, लेकिन इसमें 3 बड़ी अड़चनें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है उसका गंजापन, जिसके चलते हर लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है। दूसरी दिक्कत है कि उसके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि उसके फैमिली पंडित ने कहा है कि अगर 31 साल तक उसकी शादी नहीं हो जाती तो वो आजीवन कुंवारा रहेगा। तीसरी दिक्कत है चमन की खुद की एक्सपेक्टेशंस। वो चाहे कैसा भी हो लेकिन उसे लड़की चाहिए खूबसूरत, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसकी ज़िंदगी में अप्सरा बत्रा आ जाती है जो चमन के मानकों में खूबसूरत में माइनस मार्किंग पाती हैं। इस सब घटनाओं और आपदाओं के दौरान चमन कोहली के सेल्फ रियलाइजेशन की स्टोरी है उजड़ा चमन। प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी हल्की फुल्की फिल्में कर चुके सनी सिंह के पास इस फिल्म के साथ अपने को साबित करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन अगर उन्होंने मौका गवाया नहीं भी तो भी उसे पूरी तरह से वो कैश नहीं करवा पाए हैं। उनके एक्सप्रेशंस मूवी में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हाँ, उन्हें मेकअप का एडवांटेज ज़रूर मिला है जिसके चलते उनको पहचानना थोड़ी मुश्किल है। उनकी पिछली मूवीज़ देखने के बाद आप उनकी इस बात की तारीफ ज़रूर करेंगे कि उन्होंने करेक्टर के लो कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट को काफ़ी अच्छे से कैरी किया है, और पिछले वाले सनी वो इस फिल्म में नहीं लग रहे हैं। मूवी का सबसे बड़ा हासिल है मानवी गगरू। ये पहली बार है जब उन्होंने फुल लेंथ फीचर फिल्म में लीड एक्ट्रेस प्ले किया हो। इस फिल्म में भी उनके एक्सप्रेशंस, उनकी एक्टिंग और अपने कैरेक्टर्स के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ दिखती है और उन्हें बॉलीवुड में अच्छे से स्थापित करने का माध्यम भी रखती है। चमन के मम्मी पापा बने अतुल कुमार और गुरशा कपूर पंजाबी एक्सेंट और दिल्ली वाले हाव भाव बड़ी अच्छी तरह से पकड़ पाए हैं। सबसे अच्छी कॉमिक टाइमिंग की अगर बात करें तो वो सौरभ शुक्ला की है। ओंडू मोटेया काथे का ऑफिशियल रीमेक उजड़ा चमन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और स्क्रिप्ट के अपने मोमेंट्स भी हैं, लेकिन लचर डायरेक्शन उसे पूरी तरह कैश नहीं करवा पाता। चमन और अप्सरा की सगाई टूटने वाला सीन और चमन का पियोन राजकुमार के घर विजिट करने वाला सीन काफ़ी पावरफुल और इमोशनल हो सकता था, लेकिन है और हो सकता था का ये अंतर ही मास्टरपीस और औसत के बीच का अंतर है। कॉमेडी रिपीटेटिव लगती है जब मेटाबॉलिज्म, सेलिबेसी और टेस्टोस्टेरोन जैसे एक नहीं कई शब्दों को बार बार तोड़ मरोड़ के उत्पन्न करने की कोशिश की गई हो। वो सतही लगती है जब एक विशेष प्रकार के कल्चर और एक्सेंट से उत्पन्न करने की कोशिश की गई हो। कहीं कहीं उबाती और इरिटेट करती है जब टाइमिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक उसका साथ नहीं दे पाए हों, और जब अच्छी लगती है तो याद आता है कि ये वाले सारे सीन सीधे ओरिजिनल कन्नड़ मूवी से उठा लिए गए हैं। फिल्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिजिक्स के लेंज लॉ की तरह अपने ही स्रोत का विरोध करती लगती हैं। एक तरफ ये गंजेपन और मोटापे को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ाने का प्रयास करती है, दूसरी तरफ दिल्ली और पंजाबियों को लेकर अपने प्री कंसीव नोशन रखती है। जैसे पंजाबी फैमिली है तो लाउड होगी, पंजाबी हैं तो शराब पियेंगे ही पियेंगे, और इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जैसे ही शराब की बात आती है बैकग्राउंड में पंजाबी शब्द सुनाई देता है एक पुराने कॉमन बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में।
अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में दिल्ली अपने पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक वाले पारंपरिक बॉलीवुड रूप में नहीं है। राजौरी गार्डन, हंसराज कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, मयूर विहार, हौसखास विलेज जैसे जगहें देखकर या उनके बारे में सुनकर एक डेलीआइट को कहीं भी आउट ऑफ द वर्ल्ड या काल्पनिकता का आभास नहीं होता। जिस अतिशयोक्ति की बात सबसे पहले एक सीन का उदाहरण देकर की थी वो डायलॉग्स पर भी लागू होती है। दिलों की बात करता है जमाना पर मोहब्बत अब भी चेहरे से शुरू होती है जैसे शायराना डायलॉग्स जो अलग तरीके से लिखे जाने के बदले सिंपल होते तो शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते। मूवी बुरी नहीं है लेकिन ऐसी मूवीज़ थिएटर के लिए नहीं होती। शुरू होने से पहले ही आपको बताती है कि इसके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स अमेजन प्राइम और टीवी राइट्स जी टीवी के पास हैं। बाकी आप समझदार हैं। और साथ में बोनस में ये बता दूं कि कन्नड़ मूवी मैंने नेटफ्लिक्स में देखी। शुक्रिया। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।